अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें सूरज निकल रहा है। ये बादलों से कुछ सूरज छुपा हुआ है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलात वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सजनों, दोस्तों, बेलियों, मलकों, क्या हाल चाल हैं? ठीक है आप सब? ये आप देख रहे हैं, ये ना नाश्ते की तैयारी हो रही है। ये मैं इस टाइम ऑमलेट बना रही हूँ। ये दो मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने तकरीबन दरमियाने काट लिए हैं। ये दो थूम की फलियाँ हैं और ये मैंने चार सब्ज मिर्चें ली हैं। ये धनिया खुश्क इसको और इन थूम को मैं मिक्स करके कूटूंगी, छिलका फिर उतर जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना मेरी उंगलियों का मसला है, तो इसलिए मैं थूम नहीं छील सकती। और ये मेरा बेटा गया है अब अंडे लेने, काफ़ी बाहर बारिश हो रही है तो फिर उससे दो तीन अंडे टूट गए हैं। ये देखें, ये अंडा भी टूटा पड़ा है और इसमें जो मैंने डाले हैं ये भी टूटे हुए थे, क्योंकि वो बारिश थी इसी वजह से वो जल्दी जल्दी भागता भागता है अंडे, जिसकी वजह से टूट गए हैं। मैं तो खैर इसमें इस मटेरियल में जो ऑमलेट बना रही हूँ दो अंडे डालूंगी और इस अंडे को मैं जो ये वाला है इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी कटोरी में डाल के, ठीक है, ताकि फ्रिज ख़राब ना हो। और ये मैंने आटा गूँधा हुआ है जो कि बर्फ़ फ्रीजर में रखा था, गर्मियाँ हैं ना, तो मैं दो तीन दिन का आटा इकट्ठा गूँध के रख देती हूँ ताकि रोज़ रोज़ गूंदना ना पड़े। तो ये फ्रीज़र में पड़ा था, मैंने अपने बेटे को कहा भी था कि बाहर निकाल के नीचे रख दो, लेकिन उसको भूल गया। सुबह मैंने देखा तो आटा तो फ्रीज हुआ पड़ा था, फिर मैंने इसको निकाल के रख दिया है। तकरीबन घंटा होने वाला इसको मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो अभी देखें, अभी थोड़ा सा नरम तो हो गया है ना, हो रहा है नरम, ठीक है। और आप और इसमें जो है वो मैंने दही जमा दिया है। आपको पता है ना मैं मलाइयाँ सारी हर रोज़ मलाइयाँ इकट्ठी करती रहती हूँ, और जब वो ये देश की भर जाती तो उसको मैं उठा के बाहर रख देती हूँ, उस देश की को ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये दही जम जाता है। इसमें मैं कोई लस्सी कोई इसमें दही नहीं डालती, तो ये खुद ब खुद जम जाती। आप इसको मैंने जगह मारने से मक्खन निकलेगा, उस दिन मैंने आपको मक्खन निकालने का तरीका भी बताया था, वैसे मक्खन इसका निकलना है, ठीक है। तो ये इसी दही के साथ मैं मक्खन निकालती हूँ। और ये मैंने दही मंगवाया है और इसकी मैं लस्सी बनाऊंगी इंशाल्लाह। किसी दिन मैं आपको लस्सी बनाने की भी रेसिपी बताऊंगी कि लस्सी मैं कैसे बनाती हूँ। तो व्यूअर्स, अब मैं इसको कूट लेती हूँ, कूटने के बाद फिर आपको बताती हूँ कि ऑमलेट कैसे बनाऊंगी, क्योंकि आप कह रहे होंगे कि आज मैं ऑमलेट का नया तरीका बता रही हूँ आपको। ये मैंने खुद ईजाद किया ये वाला तरीका, तो आप भी इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी होता है। और इससे ना जो होता है मैदा वो भी जला नहीं करता। अगर हम खाली टिक्की बनाते हैं, यानी कि उसमें इसमें जैसे ये पड़ा है, इसमें हमने नमक मिर्च वगैरह डाल दी तो इसको मिक्स करके हमने बना दिया, तो इससे हाँ कुछ ही पक जाता है। तो जब ऐसे बनाएँ तो ये बिल्कुल फ्रेश होता है। अब मैं इसको कूदने लगी हूँ। इसको हम दौरी कहते हैं, इसको हम सोटा कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम इसको कूट रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो सजनों, बेलियों, दोस्तों, सब चीज़ें ऑलरेडी तैयार हैं। ये स्टोव मैंने ऑन कर दिया और ये इसके ऊपर तवा रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ, ये देख लें आप, ठीक है, आप गवाह हो जाएं कि मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर ये धुले हुए प्याज हैं, ठीक है, सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है
तो बच्चे अगर सेहतमंद हैं तो माँ बाप भी सेहत खुश हैं, अगर बच्चे खुदा ना खास्ता बीमार हो जाते हैं तो माँ बाप को ज़्यादा टेंशन हो जाती है। हर चीज़ बच्चों को धो के खिलाया करें, इवन कि अपने हाथ भी वॉश करके बच्चों को कोई चीज़ खाने के लिए दिया करें। यह मैंने ऑनियन डाल दिए इस ऑयल में, ये ब्राउन होने तक इस पर हल्के हल्के ऐसे जैसे डल होंगे ना ब्राउन होने के लिए, तो फिर हम इसके इनके साथ मिलते हैं। जो आंच मैंने ऑन की है उसको अब हम हल्का करेंगे, क्योंकि वो तो मैंने तवा गर्म करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की है ना, अब उसको हम हल्की आंच कर देंगे ताकि हमारे ये जो है आराम से गल जाए प्याज। सजनों ये देखें हमारे प्याज जो हैं नरम हो गए हैं, आप इसमें हम ये मसाला ऐड करते हैं, ठीक है। यह मैं इसको इसमें अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी दो मिनट के लिए भुना ही करेंगे इसको, ठीक है, इस मसाले की, क्योंकि इसमें थूम है ना वो भी अपनी स्मेल ख़त्म कर जाए। अगर हम इसमें फ़ौरन मसाले वगैरह डाल के इसमें एग डाल देंगे तो फिर वो स्मेल देगा थूम। बुनाई हो गई है और अब मैं इसमें नमक और मसाला डालूंगी। ये मेरे घर का मसाला बना हुआ है और मैंने ये अंडे जो हैं ये मैंने फेंट लिए हैं, अब ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको मिक्स करते हैं। आजकल मिर्चियाँ जो हैं उनका मौसम आ रहा है, तो अगर आप भी चाहें तो अपने बच्चों को घर का मसाला दे सकते हैं, साबित मिर्चियाँ ले लें आप परचेज कर लेंगे उसको घर में पीस लें, या फिर घर में नहीं पीस सकते क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, तो इसको आप मसाला जहाँ से पीसते हैं उससे पता कर लीजिएगा मसाले वाली दुकान से, तो परचून वाली दुकान से, वो आपको बताएंगे कहीं कहाँ पर मसाला पिसा जाता है, तो वहाँ से आप मसाला अपने आंखों के सामने खड़े होकर पिसवाएँ, क्योंकि आपको पता है ना इन मसाले ज़्यादा में बहुत सी मिलावटें होती हैं, इसको खा के हमारे बच्चे हमारे घर वाले बीमार होते हैं, तो उनको बीमारी से बचाने के लिए तकलीफ से अपने आप को भी बचाने के लिए घर के ही मसाले इस्तेमाल करें। ये आप अपनी आखिरी लुक में आने वाला है ऑमलेट है, ठीक है, इसको आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों आप इसको खा के मुझको दुआएं दोगे, चलो दुआएं नहीं दोगे तो पर दुआएं भी नहीं दोगे, इसका टेस्ट माशाल्लाह मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद। ये देखें दोस्तों सजनों हमारी ऑमलेट की आखिरी लुक, नहीं डिश आउट मैंने इसको कर दिया है, तो इसको आप खा के बताएं कि कैसा इसका टेस्ट बना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपना ख्याल रखिएगा, मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।